But this is not a legal tender. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइंस के बारे में कि क्या बिटकॉइंस बैन हो गए हैं इंडिया में, क्या बिटकॉइंस में अब ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्या बिटकॉइंस को सेल कर देना चाहिए और क्या बिटकॉइन को अब परचेज करना इंडिया में इलीगल है। दोस्तों शुरुआत करते हैं कि क्या बिटकॉइन बैन हो गए हैं इंडिया में। तो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि बिटकॉइन बैन हो गए हैं या फिर क्रिप्टो करेंसीज, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं उसको इंडियन गवर्नमेंट एक लीगल टेंडर नहीं मानती। बोथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड अ पोजीशन एंड हैव मेड इट पब्लिक रिपीटेडली That this is not a lawful legal tender in India. कहने का मतलब यह है कि जो भी आप ट्रेड करते हैं बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर उस पर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता। जस्ट इन केस अगर आपके साथ में बिटकॉइन को लेकर या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर फ्रॉड हो जाता है तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। And people at different levels be given a caution or a warning. Those who engage in this activity, that there is no lawful protection. दूसरा सवाल आता है कि क्या बिटकॉइन में ट्रेड कर पाएंगे या नहीं। तो जब बिटकॉइन एक लीगल एंटिटी है ही नहीं तो उसको आप परचेज करिए, सेल करिए, ये आपके ऊपर है। ऑनलाइन बहुत सारे बिटकॉइन एक्सचेंजेस हैं जिनको की यूज करके आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं बट उन पे कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच आई बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो करेंसीज को लेके, जितने भी एक्सचेंज सर्वर्स थे इंडिया में उन सब पे जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे थोड़ी देर के लिए रुक गए। एंड देर आर अबाउट 11 सच एक्सचेंजेस व्हिच हैव बीन ऑनलाइन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। दोस्तों आप सवाल आता है कि इस सिचुएशन को देखते हुए क्या जिन लोगों ने बिटकॉइन परचेज कर रखे हैं या क्रिप्टो करेंसीज परचेज कर रखी हैं क्या उनको बिटकॉइन सेल कर देने चाहिए। तो दोस्तों अगर अभी की सिचुएशन देखा जाए तो ये एक बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइसेस में ड्रॉप देखा गया है। सेकेंडली पहले की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक ऑफिशियल टेंडर की एंटिटी नहीं दी गई है और इसी वजह से लोगों में कंफ्यूजन है और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर इंडिया में क्या होगा इसको लेकर लोगों में डर बन गया है कि क्या जो उनके पास क्रिप्टो करेंसी है कहीं वो इलीगल तो नहीं। तो दोस्तों अब आता है आखिरी सवाल कि क्या बिटकॉइन इंडिया में परचेज करना इलीगल है। तो दोस्तों आरबीआई ने क्लियरली स्टेट किया है कि बिटकॉइन एक लीगल टेंडर या एक लीगल एंटिटी नहीं है। देयर इज नो ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म एज सच सपोर्टेड बाय एनी एसेट्स व्हिच सपोर्ट्स दिस। और आरबीआई की तरफ से किसी को भी बिटकॉइन को लेकर या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी लाइसेंस या फिर ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी यूजर, होल्डर, ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा है तो वो अपनी खुद की रिस्क पे। एंड देयरफॉर द डेंजर्स such as hacking, loss of password, etc. These are all dangers and inherent risks which are attached to it. तो दोस्तों अगर आपके पास में बिटकॉइन है तो उसको होल्ड करिए, प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं और हो सकता है कि आने वाले महीने में सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद में प्राइसेस थोड़ी सी राइज करें। सेकेंडली अगर आप बिटकॉइन परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये टाइम है, परचेज कर सकते हैं आप। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि रेगुलेटेड करेंसी में ही इन्वेस्ट करें, सेफ रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।